हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 की विषय गणित अध्याय 11 क्षेत्र मिति प्रश्न 11.3 के सवाल नंबर 3 से हल करना सीखेंगे। देखो बच्चों, हमारे सवाल नंबर 3 में लिखा है, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेमी स्क्वायर है। तो देखो बच्चों, हमारे सवाल में क्या दिया हुआ है, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 600 सेमी स्क्वायर और घन की भुजा हमें ज्ञात करनी है। तो हम लिखेंगे, माना कि घन की भुजा बराबर मान लेंगे ए एक्स या कोई भी मान सकते हो आप, ए मान लिया हमने। तो माना कि घन की भुजा कितनी है ए, तो ए भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे हम। अब सूत्र लगा दो आप, इसलिए घन का सूत्र लगाना पृष्ठीय क्षेत्रफल का, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है तो इसी का सूत्र लगाना। इसलिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a² आपको लिखा रखा है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² आप देखो बच्चों, हम इसको हल करेंगे, ये 6 × a² ये गुणा है, या आप इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये लो ये गुणा ही माना जाता है, बराबर 600। तो ये पृष्ठीय क्षेत्र क्या बन गया, सूत्र 6² बन गया, और पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान कितना दिया 600, तो 6a² बराबर हो गया 600। अब a² का मान क्या कर लो आप, ये ए स्क्वायर का गुणा 600 है, तो 6 का भाग इसमें लगा दो आप, ए स्क्वायर बराबर 600। अब ए स्क्वायर का मान 600 है, हमें तो एक का मान क्या करना है, देखो ये रहा, ये दोनों ए है, अभी ए यहां ए हो गया, लेकिन ये क्या लिखा हुआ था, एक का वर्ग, तो ये क्या है, एक का वर्ग 600 है। तो हमें क्या क्या करना है, एक का मान क्या करने के लिए, इसका वर्गमूल क्या करेंगे, अब वर्ग है तो वर्गमूल क्या कर लिया करो, और वर्गमूल को हटाने के लिए वर्ग बना दिया करो। तो लिखेंगे, दोनों ओर देखो बच्चों, थोड़ा सा इसमें भी आप ध्यान देना, ए स्क्वायर का मान क्या करें, 600 में किसका भाग देंगे, 6 का, तो ये बराबर हो जाएगा 100, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर कितना है हमारे पास, 100 आ गया। अब हम दोनों ओर वर्गमूल लेंगे, दोनों और वर्गमूल लेने पर ए स्क्वायर का भी वर्गमूल लेना है और 100 का भी हमको वर्गमूल लेना है, ए स्क्वायर का वर्गमूल बन जाता है ए और 100 का वर्गमूल बन जाता है 10। इसलिए ए बराबर 10 आ गया, अर्थात इस घन की भुजा कितनी प्राप्त होगी, 10 सेमी। इसलिए घन की भुजा बराबर 6 सेमी होगी। तो जिस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेमी स्क्वायर है, उस घन की भुजा कितनी होगी, 6 सेमी। अर्थात 6 सेमी भुजा के घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेमी स्क्वायर होता है। अब आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको सवाल नंबर 4 सिखाऊंगा। अब देखिए बच्चों, सवाल नंबर 4 में रुखसार ने 1 मीटर × 2 मीटर × 1.5 मीटर माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया। यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त उसे सभी जगह से पेंट किया हो
तो ज्ञात कीजिए कि उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया। आई बात समझ में? हमारे पास क्या है कि रुखसार क्या कर रही है, एक पेटी है एक मीटर दो मीटर और डेढ़ मीटर माप वाली। तो सबसे लिखेंगे हम एक पेटी यानी ग्राम, एक पेटी यानी ग्राम की लंबाई एल, चौड़ाई बी और ऊंचाई एच। दे रखी है हमारे सवाल, देखो लंबाई दे रखी है एक मीटर और चौड़ाई दे रखी है दो मीटर। लंबाई एक मीटर, चौड़ाई दो मीटर और ऊंचाई 1.5 मीटर, राइट। रुखसार क्या कर रही है, इस माप की जो पेटी है जो गनाब है उसके बाहर की तरफ पेंट कर रही है। अब पेंट क्या कर रही है, जो नीचे का पेंदा है, जो नीचे का जो तल है उसको छोड़कर कर रही है। यदि हम तल को भी शामिल कर लें तो पूरे गनाब का कुल पृष्ठीय क्षेत्र हो जाएगा। यदि वो तल को नहीं छोड़ती तो हम क्या ज्ञात करते, उस गनाब का कुल पृष्ठीय क्षेत्र ज्ञात कर लेते 2 × AB + BH + HA इस सूत्र से। लेकिन रुखसार क्या कर रही है, तल को छोड़ रही है, आई समझ में? तो तल को छोड़कर जो शेष हिस्सा बचेगा उसका क्षेत्र में ज्ञात करना है। तो कैसे लिखेंगे, तल को छोड़कर पेटी का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे क्या करेंगे, पेटी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस तल का क्षेत्रफल। तो पेटी के कुल क्षेत्रफल में से तल का क्षेत्रफल कटा देंगे तो तल को छोड़कर पेटी का हमको पृष्ठीय क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा। कैसे क्या करेंगे, पेटी का कुल पृष्ठीय क्षेत्र ज्ञात करने का सूत्र क्या लगेगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र का सूत्र लगाएंगे। पेटी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यदि तल को नहीं छोड़े तो इस पेटी का कुल पृष्ठीय क्षेत्र कैसे क्या करेंगे, 2 × AB + BH + HA इस सूत्र से। अब तल का क्षेत्र, तल क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो तल का क्षेत्र कम कर देंगे L × B। तल कैसा है, आयताकार है, उसका तल का क्षेत्र हमको कम करना है, पेटी के कुल क्षेत्रफल में से तल का क्षेत्रफल हमको घटा देना है। आप देखिए कैसे करेंगे हम, 2 × L × B यानी 1 × 2 + B × S यानी 2 × D + H × L यानी 1 × D माइनस अब तल का क्षेत्रफल यानी L × B 1 × 2 यानी देना आप मीटर स्क्वायर। 2 × 2 A को 2 से गुणा करने पर 2 आता है, डेढ़ को 2 से गुणा करने पर 3 आता है, डेढ़ को 1 से गुणा करने पर 1.5 आता है और 2 को 1 से गुणा करने पर 2 आता है। 2 × 2 अब देखो 2 और 3 कितना, 5, 5 × 1 = 6, 6.5 माइनस का 2, 6.5 को 2 से गुणा करेंगे 13 माइनस का 2, 13 × 2 बढ़ेंगे 11, 11 मीटर स्क्वायर जो क्षेत्र है उस पर पेंट होगा। तो रुखसार क्या कर रही है, तल को छोड़कर बाहरी तरफ क्या कर रही है, पेंट कर रही है। तो पेटी के बाहर की तरफ तल को छोड़कर कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट करेगी, वो 11 मीटर स्क्वायर पर पेंट करेगी।
यह आंसर। तो रुखसर क्या कर रही है, एक गुलाब के आकार की पेटी है, उसका तल छोड़ दिया उसने, तो तल को छोड़कर जो शेष हिस्सा बच गया वहां पर वो पेंट कर रही है। तो कितने क्षेत्रफल पे पेंट कर रही है, 11 मीटर स्क्वायर क्षेत्र पर वो पेंट करेगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको अगला सवाल सिखाऊंगा। देखिए बच्चों सवाल नंबर 5, डेनियल एक ऐसे गन्हाब के आकार के कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और ऊंचाई 7 मीटर है। पेंट की प्रत्येक केन की सहायता से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है, तो उस कमरे के लिए उसे पेंट की कितनी केनों की आवश्यकता होगी। तो बच्चों क्या कर रहा डेनियल, उस कमरे की चारों दीवार होती है और एक छत पर क्या कर रहा पेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल मैंने आपको लिखा रखा है, 2 गुना ऊंचाई कॉस्ट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ये सूत्र था कमरे की चारों दीवारों का, ऊंचाई कितनी हमारे पास 7, लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई कितनी हमारे पास 10 मीटर। इसको कर लेंगे 7 × 14, 15 प्रतिशत जोड़ देंगे 25 मीटर स्क्वायर। अब 14 × 25, तो 25 को 14 से गुणा करेंगे अपन, 25 × 100, हाँ ठीक है 10, 25 × 10 = 35, तो ये हो गया 350 मीटर स्क्वायर। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्र कितना आ गया हमारे पास में, 350 मीटर स्क्वायर आ गया, राइट। अब क्या क्या करेंगे, कमरे की छत का क्षेत्रफल, कमरे की छत का क्षेत्रफल ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है हमारे पास 15 मीटर और चौड़ाई कितनी है हमारे पास 10 मीटर, तो 15 को 10 से गुणा करेंगे 150 मीटर स्क्वायर हो गया। इसलिए पेंट कराने योग्य कुल क्षेत्रफल, पेंट कहां का हो रहा है, कमरे की चारों दीवार पर हो रहा है और कमरे की छत पर हो रहा है, तो पेंट कहां हो रहा है 350 मीटर स्क्वायर पर भी हो रहा है, 150 मीटर स्क्वायर को जोड़ दीजिए आप, 350 प्लस 150 तो ये बराबर हो जाएगा हमारे पास 500 मीटर स्क्वायर। तो बताओ कमरे की चारों दीवारों और कमरे की छत पर पेंट कराने योग्य कुल क्षेत्र में कितना हो गया हमारे पास, 500 मीटर स्क्वायर हो गया। अब देखो हम लिखेंगे, चूंकि 100 मीटर स्क्वायर के लिए कितनी केन, एक केन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए 1 मीटर स्क्वायर के लिए 1/100 केन की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि 100 मीटर स्क्वायर के लिए कितनी केन की आवश्यकता पड़ती है, 1 केन की, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितने केन की आवश्यकता पड़ेगी, कम हो गई तो 1/100। अब 1 से ज्यादा की क्या करनी है, 500 मीटर स्क्वायर के लिए केन, इसलिए 500 मीटर स्क्वायर के लिए कितने केन की आवश्यकता होगी, 1/100 × 500 केन, 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, बस गया 5 × 5 केन। तो बताइए डेनियल को कमरे की चारों दीवारों और छत पर पेंट कराने के लिए पेंट की कितनी केन की आवश्यकता पड़ेगी, 5 केन की, क्योंकि 1 केन होती है वो 100 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पे पेंट कर देती है। तो 100 मीटर स्क्वायर के लिए 1 केन, 500 मीटर स्क्वायर के लिए 5 केन की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार बच्चों आज हमारी प्रश्न 11.3 के मैंने आज आपको 3 सवाल सिखाए, सवाल नंबर 3, 4 और 5,
तीनों सवाल बड़े महत्वपूर्ण है और मैं आशा कर सकता हूं कि बच्चों आज बताए गए तीनों ही सवाल आपने बड़ी अच्छी तरीके से सीखे होंगे। आप इनको अपनी नोटबुक उतारना और इनका अध्ययन करना। इसके बाद बच्चों इस प्रश्नावली के आगे के सवाल, सवाल नंबर 6, 7 और इसके आगे के, मैं आपको कल के वीडियो में सिखाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।